गल करूंगा, एक घरे का छह महीने का राशन पिया, एक घरे छे घंटे का भी राशन नहीं। पहला सहूलत सरकार की नूं दिओ छे घंटे वाले, तो फिर मेरा कहने मतलब भी किसान भरावां नूं मिल गया मोह दे दोगे, सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं। पर साडे जिहड़े गरीब जिन्होंने नरमा चुक के धीआं दा दाज घर की कबीलदारी चलाउणी सी, उन्होंने खातों के क्यों नहीं पाई जा रही? नहीं, ये लाई लगे ने लिस्ट बनिया जा रही। धन्यवाद जी तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब थोड़ी इज्जत करते हैं। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कल ही ज्वाइन किया, थोड़ा धन्यवाद। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि कल ही ज्वाइन किया, जिहड़े ने पुराना ज्वाइन किया हो चाहे एस डी एम जा एसी आ जाओ, साडी गल का सानू जवाब दे दो तय करके भी इतने पैसे आ इतने पा लेंगे, नहीं अद्धे घंटे नूं चक्का जाम करांगे बठिंडे दा राजो समाज दे साथ। इस करके स्टेज की कार्रवाई है, इंजलाओ कोई मंग पत्र नहीं। साहब काम गए ने, एस डी एम साहब मीटिंग दे गए ने, एस डी एम साहब ट्रेनिंग दे गए ने चंडीगढ़, जिते वो फ्री हो गए उत्ते आ जाए, अभी सड़क पर बैठा सानू इतने एडीसी एस डी एम आके चाहे तुम सानू लिफ्ट देके जाओ, भरोसा देके जाओ कि इतने पैसे पावे। मनरेगा के तय 282 तो घट क्यों पैसे ने पैसे, जो सरकार वालों तय है साडे मजदूरों का शोषण क्यों किया जाता? 282 रुपए मनरेगा मिलते 150-200 रुपए ने आई है, 150-200 साडे अफसरों को पता कर लो गे, पर सानू जिहड़ा इतने पहला गद्दी ते बैठा जिहदी नक थले मजदूर का शोषण होया, वह वर्ग के लिए असं लड़ाई लड़ने वास्ते मैदान च उतरे हैं। जिन्ना तक तुम ये गल तय नहीं करते मनरेगा ने दिहाड़ी सही नहीं पैंदे, 700 साडी मांग आ, वह सरकार नाला पंगा साडा, सानू पता वह तुम नहीं कर सकते, वह सरकार नाला मांगे। पर जिहड़ा इतने पहला तुहाडे तो तुम कल आए हो, तुहानू हजे जिले बार तुम पता कर लो कि हजे नहीं पता, इस करके मजदूर असं अज कम रखी जाना, अज हरेक घरे एक बंदा नहीं वेला, आ हजारा लोग क्यों बैठे ने सड़क दे, सानू साडे हक नहीं मिलते, इस करके साडा कोई वो नहीं। सानू तय करके जाओ, तुम डीसी साहब के मोबाइल खोले हो गए, इस करके मैं कहना चाहे एडीसी साहब आ जाए चाहे एस डी एम साहब आ जाए चाहे तुम आ जाओ, सानू लिखती पढ़ के दस के जाओ भी एने इन्हें भी मनरेगा जो दिहाड़ी घट ना पाओगे, थोड़ा धन्यवाद। तो दूसरा जोड़ा साडा जे नरमे के मुआवजे वाले पैसे ने क्यों नहीं पाए जा रहे, मजदूर की दिहाड़ी क्यों नहीं बधाई जा रही? इस करके थोड़ा स्वागत, तो हम तुम जा सकते हो, तो धरना पाई चलू, तो अभी चक्का जाम कर लगे हैं, घंटा असी थोड़ी अड़ीक करा, तो नहीं अभी सड़क पर बैठा। एडीसी साहब साढ़े जिले के मुखी साहबान साढ़े बच्चे पहुंचे ने, उन्होंने असं धन्यवाद करते हैं। इन्होंने साड़ी पांच मैंबरी कमेटी ने काफ़ी विचार साझे किए, मजदूर दिया मुश्किलों बारे गलबात साझी की, मैं भी इन पढ़ के दसना चाहना साड़िया मंगा जड़िया कि अज की महंगाई देखते हुए मजदूर वर्ग की दिहाड़ी साड़ी मंग आ, तुसी सरकार को रिमाइंडर लिखते रहने हो, सूबे का मुख्यमंत्री भी यह गल मनिया कि घट्टो घट 500 का होनी चाहिए है, पर असं कह रहे हैं भी 700 रुपया घट्टो घट दिहाड़ी मजदूर की डीसी साहब चाहिए है। दूसरी साड़ी मंग आ कि झोने की लवाई किसान साडे भरावां ने सानू 4000 रुपया कुल दिते है, जिहड़ी बाकी 2000 साड़ी 6000 की मंग सी, सरकार सानू 2000 रुपया बोनस देवे, क्योंकि जो सरकार किसान भावों कह सकती है भी सीधी बिजाई करो 1500 रुपया किले मगर देवे, तो मजदूर वर्ग को भी कह सकते हैं कि असं मंग करते हैं कि 4000 तो असं किसानों को ले लेंगे, साढ़े भा ने 2000 रुपया सानू सरकार बोनस दे प्रति एक किला झोना लवाई जाए। दूसरा पढ़े लिखे नौजवान पंजाब सरकारियां नौकरियां नहीं मिल रही, वो प्राइवेट दुकाना दें, डीसी साहब 7-8 हजार रुपए से प्रति महीना थोड़े बठिंडे के मॉल ने शोरूम ने, तुम साडे जिले के मुखी हो, पर इतने 7-8 हजार रुपए शोरूम के मुले
नौकरी करते ने एक महीने का किरत कमीशन पंजाब वालों सरकार वालों दिहाड़ी 368 तय है उतो घट कोई मजदूरी उन्होंने को नहीं करा सकता। तो मान योग अफसर साहबान ने सू विश्वास दवाया कि जिड़ी भी कोई बठिंडे के फैक्ट्री चल रही है जो 5,000-6,000 रुपया किसी औरत को कम करा रहे हैं वो शिकायत करो असी कार्रवाई करा। यह गल सा हो चुकी है। जेकर किसी मजदूर का फैक्ट्री के दुकान के काम करते मौत हो जाती है घट्टो घट 20 लाख रुपया जा कोई सटना उसके शरीर का कोई अंग खत्म हो जाता तो घट्टो घट 5 लाख रुपया मुआवजा दिता जाए। गरीब वर्ग को मजदूरी का एक तो एक साधन ये बड़ी जरूरी है जी, जिवें रक्षा सब्जी रेहड़ी मोटरसाइकिल रेहड़िया कई थाने उन्हों का चलान कटाया जाता वो आप जी ने ध्यान के लिया जाता भी ये छोटिया छोटिया गरीबों दी मुश्किल बड़िया मजदूरों दी सरदर्दी बन जाती उन्होंने ना कटाया जाए। किसान वर्ग को गुलाबी सूंडी के नरमे का मुआवजा मिल गया पर गरीब मजदूर के नरमे की चुगाई का मुआवजा अजे तक ढिला मुठा चल रहा। तो फिर सानू कहा जा रहा कि किसान वर्ग को लिखा के लियाओ ते जदों किसान भरावां 17,000 रुपया मुआवजा किले का मिल गया उन्हां दी फसल मरन ते ही मिलिया सी ते जदों नरमा ही मर गया ते फिर चुकिया किने जदों ओह भरावां नूं 17,000 मिलिया उहदी तरस ते किसी बिना लिखाए तो सानू दिता जाए। तो सानू आप जी तो वैसे पहला भी पता लग्या कि चिट्ठी तुसीं भेज चुके हो ये शर्त तुसी जिले तो हटा रहे हो सारे इस गल की तारियां मार के स्वागत करो कि लिखा ना पवे। ऑनलाइन पढ़ाई गरीब व्यक्तियों के बच्चों महंगे मोबाइल खरीद के नहीं दे सकते गरीब बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई का प्रबंध किया जाए ये बड़ी बड़ी औखी समस्या है जी। मनरेगा जिसे विच साडे बच्चे औरतां काम कर दियां डीसी साहब खालियां साफ कर दियां टोभे साफ करते ने तरह तरह की उन्होंने बीमारी लगती है। मेरी मांग है सरकार को आपके जरिए कि उन्होंने महीने बाद शरीरक मैडिकल जरूर हो कैंसर भयानक हैपाटाइटिस बी सी काला पीलिया बहुत ज्यादा है क्योंकि वह गंदगी के काम करते हैं उन्होंने महीने बाद मेडिकल हो जाना बचाइया जा पिंडा के पिंडा के बहुत वे पद्धर से कैंसर होया हो फिर सरकार वालों मनरेगा की डीसी साहब 282 रुपए दिहाड़ी तय है सानू औरतां बैठिया किसी रूढ़ 200 दें हाथ खड़े करके दसो यही गल किसी 200 देंगे ने जो सरकार वालों 282 तय है तो फिर साडा शोषण क्यों किया जाता फिर कहते हैं गरीब गरीब हो रहा फिर गरीब बढ़ू कितों जो गरीब की मजदूरी खानी है। इस करके केंद्र सरकार वालों नौजवानों ने फौज की जी 4 साल की सिर्फ ठेके की यह पगड़ी पक्ष भर्ती की है बाकी यह गरीबों अग ला रही है गरीबों के बच्चों को साढ़े को एक ही सी साडे बच्चे फौज चटाई कर लेंगे होर जॉब नहीं मिलनी सी मेहनत करके वह भी सातों खोह का काम किया। गरीबों ने सेहत सहूलत जिन्हें सहूलत आयुष्मान आयुष्मान कार्ड तुरंत बहाल किया जाए यह साड़ी बहुजन समाज पार्टी की डीसी साहब मांग है। तो दूसरी बड़ी एक गंभीर बड़ी समस्या पिंडा जी पंचायती जमीन आ तीजा हिस्सा शड्यूल कास्ट परिवार को मिलना चाहिए वो डीसी साहब नहीं मिल रहा धनाड़ लोग साडे बंदे खड़ा करके आप लै लेंगे ने वो तुम इनकवायरी करके 33% जी जमीन पंचायती या पिंडा की वो शड्यूल कास्टा संविधान के तहत वो पाने का हक लेके दिता जाए ये साडे मंग पत्र सानू 2 मिनट बोल के विश्वास करवाओगे गल्ला जड़िए आगू साहब प्रधान जिला कमेटी के बी एस पी के उन्होंने रखी है तो थोड़ी जी कार्यकारी कमेटी के जो 5 मैंबर मिले थे उन्होंने कुछ मंगा तो थोड़ी पॉलिसी लैवल से हैगी जी सरकार के नाल असी
ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਿਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋੜ ਜਾਵਦਾ ਸੀ ਅਣਮਿੱਠੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 368 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੱਟ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 350 ਸਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ 200 ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਇਹ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੇਟ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਮੁਖੀ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਣੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।